मुझे एक्चुअली कॉटन्स बहुत पसंद हैं एंड यू नो समर में यू नो टू वेयर लवली कॉटन्स एंड लूज आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्टाइलिश एंड महिका आई थिंक हैज डन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कलेक्शन उन्होंने की है. अदरवाइज हर्स इज वेरी वेरी डिफरेंट. दिस यहाँ पे ऐसा लगता है कि आई कैन वेयर एनी थिंग यू नो एवरीथिंग विल बी माई आई फील इट कुड बी मी. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मैं अभी ट्राई करने जा रही हूँ. मैंने एक दो चीज़ यहाँ से पिकअप की हैं. सो आई लाइक द वंस विद द पैंट्स एंड द लॉन्ग लाइम ग्रीन कुर्ता व्हिच आई रियली लव्ड. अगर वो चाहे तो बहुत ही जल्द बिकॉज मेरी एक फिल्म अभी तमिल में रिलीज हो रही है नेक्स्ट वीक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट लवली राइट मोमेंट एंड द राइट फिल्म टू कम इन बॉलीवुड. आई कांट वेट टू बी बैक. पंद्रह सत्रह साल के बाद मैं तमिल फिल्म कर रही हूँ. तो लास्ट वीक मैं एक्चुअली ऑडियो रिलीज पे गई थी और जिस तरह से वहाँ की मीडिया और पब्लिक ने मुझे रिसीव किया आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड विद दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव एंड टू रिमेंबर समथिंग दैट आई डिड 20 ईयर्स अगो एंड 15 ईयर्स अगो. सो आई एम रियली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड एंड सुपर नर्वस. पहली बार मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है कि लोगों को मैं पसंद आऊँगी कि मेरी फिल्म कैसी होगी. हिट होगी, हिट होनी चाहिए. एंड मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम पे व्हेन आई वाज वर्किंग कभी मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और पहली बार ऐसे लग रहा है कि रिलीज पे है, कैसे होगी, लोगों को पसंद आएगी, मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे और चांस मिलेगा, दूसरी फिल्म और मिलेगी. ऑल दीज थॉट्स आर इन माई माइंड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बस ऐसे ही टाइम निकल गया. कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चला. मेरी फैमिली है, बच्चे हैं और मैंने ये चॉइस किया था कि मैं बच्चों के साथ रहूँगी, फैमिली में रहूँगी. और नाउ दे आर ओल्डर, बच्चे बड़े हैं एंड आई फील लाइक डूइंग समथिंग. एंड बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद जैसे किचन में पिज्ज़ा और क्या क्या मैंने ट्राई नहीं किया, कंप्यूटर लेसन सब ट्राई करने के बाद ऐसे लगता है कि आई वॉन्ट टू बी बैक एक्टिंग. तो बस ये सब डिसाइड करते करते टाइम निकल गया. थैंक यू. थैंक यू. थोड़ा पीछे में भाई का नाम ये तारा ये तारा या प्लीज. Browse around, take a look. Tell me what you think. Are you going to be having it out for a bit? Or? You can just block it and take whatever you like. We can just do the alterations later. Okay, what are you going to drink? Tell me. Nothing. Green tea, no shampoo, coffee, something after. Water. Two bottles. Coconut water. Okay. Thank you. दत्ता क्या काम हो रही है? क्या? बाल भी नहीं आएगा. Boys do. इधर. तो किरण किरण खड़ा कर रही है. थोड़ा सा. How you feel? थोड़ा आज उसके बाद काम करो इसका. इंसान सेंटर में. नारा जी. मैडम. सारा मैम यह. मैम यह राइट साइड. मैम सेंटर. मैम राइट राइट यह. मैम यह प्लीज. यह यह. मैडम. लुक यह प्लीज. Thank you.
But you know, I had a shoot, so then I thought I'd come like that, right? Different. Actually, funny, it is not this side, but the picture, and then this is some other side. थैंक यू। एक्चुअली मैं अभी एक शूट से आई हूँ, इसलिए मैं ये सब पहन रही हूँ। और ये एक मार्क केन ड्रेस है और करिबियन थीम बहुत सूट करता है। हाय हाय। और महका के जो कलेक्शन है बहुत ही अच्छा है और फ्रेश वाइब्रेंट, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट्स रियली नाइस। समर सीजन है तो आप क्या टिप देना चाहेंगे, किस तरह का ड्रेसिंग करना चाहिए? ब्राइट कलर्स, कूल, रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, तो ये तो बहुत अच्छा है। आई थिंक जस्ट लाइक रिलैक्स्ड। और मैं, मेरे तो दो छोटे बच्चे हैं, 2 साल और 4 साल के, तो आई हैव टू बी लाइक कंफर्टेबल एंड कूल, अदरवाइज इट डजंट वर्क। इतने सारे डिजाइन से आपको कौन से पसंद? एक्चुअली मुझे ये पसंद है, ये बहुत अच्छा है, तो मैं ये शायद ट्राई करूँगी एंड मे बी आई टेक इट। आई लव द कलर, आई लव ब्लू, बट आई हैवन हैड अ चांस टू लुक एट एवरीथिंग। बहुत अच्छा है। और फिल्मों की बात करें तो कौन सी फिल्मों में नजर आने वाली है? अभी एक्चुअली मेरा शो द तारा शर्मा शो डायरीज ऑफ अ न्यू मॉम सीजन 3 अभी चालू होगा, तो मैं उस पर मैं काम कर रही हूँ, सो आई एम बिजी विद दैट। थैंक यू। Yeah. 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 Ye